आपके रिलेटिव्स के कॉल आ रहे होंगे कि उसकी तो इतनी परसेंटेज बन गई, फलाने की तो इतनी परसेंटेज बन गई। हेलो बच्चों, सीबीएसई ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। 13th मई को 10th का और 12th का रिजल्ट आ चुका है। जिस तरीके से सीबीएसई ने धमाका फोड़ा है, उसी तरीके से ईसल के बहुत सारे बच्चे धमाके फोड़ रहे हैं। लगातार हमारे पास रिजल्ट आ रहा है बच्चों के, अबव 95 की एक लंबी लिस्ट बन चुकी है। तो वी आर प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। पर जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनका अबव 95 आएगा और 90 तक रह गया है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ परसेंटेज आपकी कम बनी है, पर वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। बात करें फिर भी किसी को रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, तो इससे रिलेटेड शॉर्ट और वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप किस कंडीशन में आप रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गो एंड विजिट। अब आपको क्या आगे डिसाइड करना है, तो बच्चों अभी आपके घर में जश्न का माहौल होगा, तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, एक रिलैक्स मोड में चले जाइए। तो पहला स्टेप तो अभी यही होगा कि आप अभी कुछ दिनों इसको सेलिब्रेट कीजिए। इसी के साथ आपके घर में आपके रिलेटिव्स के कॉल आ रहे होंगे कि उसकी तो इतनी परसेंटेज बन गई, फलाने की तो इतनी परसेंटेज बन गई, दैट्स फाइन, वी आर हैप्पी फॉर यू ऑल्सो कि आपकी भी परसेंटेज बहुत अच्छी आई है। पर अपने मार्क्स को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो अपने मार्क्स को किसी से कंपेयर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि जैसे ही ये 3-4 दिन खत्म हो जाएंगे, जश्न का माहौल खत्म हो जाएगा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका अब नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्या आपको IIT कॉलेज में जाना है, क्या आपको नीट कॉलेज में जाना है, तो अब आपको शांति से ये डिसाइड करना है कि आगे हम क्या स्टेप लें, ठीक है। इसके लिए आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्या आपको मैथ सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है, क्या आपको बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, तो वो स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। सीनियर क्लास में आ गए हो तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो एक फ्रेश माइंड से अपनी क्लास 11 स्टार्ट करना, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि हम मैम 11th में कौन से कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, अगर हमने JEE की प्रिपरेशन करनी है या नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो बच्चे क्लास 10th के बाद JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो JEE ब्रह्मोस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो नीट ब्रह्मोस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाएगी। जो क्लास 10th में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो चैंप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और वो बच्चे जो क्लास 10th के साथ ही नीट और JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अग्नि JEE या नीट कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।